जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर द्वारिकाधीश जी की एक बहुत ही रोचक सी कथा लेकर आए हैं। जब भक्त की भक्ति सच्ची हो तो ईश्वर को भक्त के सामने आना ही पड़ता है, और ईश्वर के जिसे दर्शन हो जाए उसे कुछ ना कुछ तो देकर वो जरूर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पावन कथा। ये कथा है आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी स्वामी की। एक बार इनके गुरु पायोहारी जी द्वारिका जी यात्रा पर जाने लगे तो पृथ्वीराज भी द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। इन्होंने कहा कि द्वारिका जाकर शरीर पर शंख चक्र बनवाऊंगा। गुरु पायोहारी जी ने कहा कि अगर तुम राज्य छोड़कर चले जाओगे तो राज्य में अव्यवस्था फैल जाएगी, धर्म कर्म से लोगों का ध्यान हट जाएगा, इसलिए आमेर में ही रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। गुरु जी की बातें मानकर श्री पृथ्वीराज जी आमेर में ही रह गए, लेकिन इनका पूरा ध्यान द्वारिकाधीश में ही लगा रहा। एक बार रात में जब ये सोए हुए थे तब इन्हें लगा कि अचानक तेज प्रकाश फैल गया है, भगवान श्री द्वारिकाधीश जी स्वयं प्रकट हो गए हैं। राजा श्री पृथ्वीराज जी ने द्वारिकाधीश जी की परिक्रमा की और प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि तुम अब गोमती संगम में डुबकी लगाओ। राजा को लगा कि वह गोमती तट पर पहुंच गए हैं और गोमती में डुबकी लगा रहे हैं। इसके बाद सुबह जब राजा महल से बाहर नहीं निकले तो रानी उनके शयन कक्ष में पहुंची। रानी ने देखा राजा सोए हुए हैं और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, जैसे स्नान करके आए हों। रानी ने देखा कि राजा की बाजू पर शंख और चक्र के निशान भी उभर आए हैं। राजा की नींद खुली तो वे भी इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। उन्हें लगा कि भगवान स्वयं उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आए थे। इसके बाद राजा पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। तो इस प्रकार से द्वारिकाधीश जी ने अपने भक्त की सच्ची भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये थी वो कथा। नमो नारायण।